once again welcome back to my YouTube channel. As we all know, Raksha Bandhan aa raha hai. But us din ek bhai ki aarti utarte waqt apan sabko thali ki to zarurat padti hai. Har saal apan thali kuch is tarah decorate karte hai. But is saal I have something new for you all. Yes, I know thumbnail dekhne ke baad aap sabko pata chal gaya hoga. I'll be using Mandala art jo aajkal kuch zyada hi trend mein hai. Uski ki help se main thali decorate karungi. This is really really something new. I want this video ki wo thoda to viral ho jaye. Please share this with your friends and family. Please. Let's start. Tamba ya pittal shubh mana jata hai. So I'll be using तांबे की थाली. अगर आप लोग चाहो तो स्टील की भी यूज़ कर सकते हो. सबसे थिन ब्रश आप लोग के पास जो अवेलेबल हो वो ही यूज़ करने का ट्राई करना, क्योंकि उसी से थोड़ा क्लियरेंस और थोड़ा परफेक्शन दिखेगा. बाउल्स की हेल्प से आप लोग के सर्कल एकदम परफेक्ट बनेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट बाउल्स आप लोग यूज़ करके अलग अलग साइज़ के सर्कल्स बना सकते हो. अगर आप लोग को डिज़ाइन चेंज करनी है तो आई सजेस्ट कि आप लोग बाउल से ही सर्कल बनाओ. डू सम मार्किंग्स एट सम डिस्टेंस ताकि आप लोग जो फ्लावर बनाने का ट्राई करो एकदम परफेक्ट बने, कुछ भी ऊपर नीचे ना हो. Thank you.
जैसे कि मेरा ट्रायंगल बीच के मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहे, तो मैं फिर से रेड कलर से कर रही हूँ। अभी ये कलर अलग लग रहा है, पर जैसे ही ये सूख जाएगा तो वो मिक्स मैच हो जाएगा पूरा उसी में। आई एम ड्रॉइंग अ स्वास्तिक। आप लोग चाहो तो कुछ और भी ड्रॉ कर सकते हो, बट आई थिंक पूजा की थाली है तो स्वास्तिक ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये आटे का दिया है, आप लोग कोई और दिया भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आटे का कर रहे हो तो उसको पेंट भी कर सकते हो। मिठाई, रोली चावल, पानी का लोटा, इसे भी आप लोग पेंट कर सकते हो, और राखी। यही हो गई अपनी थाली कंप्लीट। मैंने हर चीज़ अच्छे से समझाई होगी। इट इज़ नॉट दैट ईजी। इसको एक बार पहले प्लीज पेपर पर ट्राई करना, फिर ही थाली पर ट्राई करना अगर मम्मी की डांट नहीं सुननी हो तो। प्लीज प्लीज प्लीज, दिस इज रियली समथिंग न्यू, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।